दूसरा सैमुएल 13 बाब। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अभी सलूम की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तिमर था। उस पर दाऊद का बेटा अमनून आशिक हो गया और अमनून ऐसा कुढ़ने लगा कि वो अपनी बहन तिमर के सबब से बीमार पड़ गया क्योंकि वो कमवारी थी। सो अमनून को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ और दाऊद के भाई सम्मा का बेटा यूनदब अमनून का दोस्त था और यूनदब बड़ा चलाक आदमी था। सो उसने उससे कहा, ए बादशाह जादे, तू क्यों दिन ब दिन दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे नहीं बताएगा? तब अमनून ने उससे कहा कि मैं अपने भाई अभी सलूम की बहन तिमर पर आशिक हूं। यूनदब ने उससे कहा, तू अपने बिस्तर पर लेट जा और बीमारी का बहाना कर ले, और जब तेरा बाप तुझे देखने आए तो तू उससे कहना, मेरी बहन तिमर को जरा आने दे कि वो मुझे खाना दे और मेरे सामने खाना पकाए ताकि मैं देखूं और उसके हाथ से खाऊं। सो अमनून पड़ गया और उसने बीमारी का बहाना कर लिया, और जब बादशाह उसको देखने आया तो अमनून ने बादशाह से कहा, मेरी बहन तिमर को जरा आने दे कि वो मेरे सामने दो पूरियां बनाए ताकि मैं उसके हाथ से खाऊं। सो दाऊद ने तिमर के घर कहला भेजा कि तू अभी अपने भाई अमनून के घर जा और उसके लिए खाना पका। सो तिमर अपने भाई अमनून के घर गई और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और उसने आटा लिया और गूंधा और उसके सामने पूरियां बनाई और उनको पकाया, और तवे को लिया और उसके सामने उनको उंढेल दिया, पर उसने खाने से इनकार किया। तब अमनून ने कहा कि सब आदमियों को मेरे पास से बाहर कर दो। सो हर एक आदमी उसके पास से चला गया। तब अमनून ने तिमर से कहा कि खाना कोठड़ी के अंदर ले आ ताकि मैं तेरे हाथ से खाऊं। सो तिमर वो पूरियां जो उसने पकाई थी उठाकर उनको कोठड़ी में अपने भाई अमनून के पास लाई, और जब वो उनको उसके नजदीक ले गई कि वो खाए तो उसने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ मेरी बहन मुझसे वसल कर। उसने कहा, नहीं मेरे भाई, मेरे साथ जबर ना कर, क्योंकि इसराइलियों में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, तू ऐसी हमाकत ना कर, और भला मैं अपनी रुसवाई कहां लिए फिरूंगी, और तू भी इसराइलियों में अहमकों में से एक की मानिंद ठहरेगा। सो तू बादशाह से अर्ज कर, क्योंकि वो मुझको तुझसे रोक नहीं रखेगा। लेकिन उसने उसकी बात ना मानी, और चूंकि वो उससे जोरावर था इसलिए उसने उसके साथ जबर किया और उससे सोबत की। फिर अमनून को उससे बड़ी सख्त नफरत हो गई, क्योंकि उसकी नफरत उसके जज्बाए इश्क से कहीं भड़कर थी। सो अमनून ने उससे कहा, उठ चली जा। वो कहने लगी, ऐसा ना होगा, क्योंकि ये जुल्म के तू मुझे निकालता है उस काम से जो तूने मुझसे किया बदतर है। पर उसने उसकी एक ना सुनी। तब उसने अपने एक मुलाजिम को जो उसकी खिदमत करता था बुलाकर कहा, इस औरत को मेरे पास से बाहर निकाल दे और पीछे दरवाजा की चिटखनी लगा दे। और वो रंग बिरंग का जोड़ा पहने हुए थी, क्योंकि बादशाहों की कमवारी बेटियां ऐसी ही पोशाक पहनती थीं। गर्ज उसके खादिम ने उसको बाहर कर दिया और उसके पीछे चिटखनी लगा दी। और तिमर ने
आपने सिर पर खाक डाली और अपने रंग बिरंग के जोड़े को जो पहने हुए थी चाक किया और सिर पर हाथ धरकर रोती हुई चली। उसके भाई अबी सलूम ने उससे कहा, क्या तेरा भाई अमनून तेरे साथ रहा है? खैर ऐ मेरी बहन, अब चुप की हो रहे, क्योंकि वो तेरा भाई है और इस बात का गम न कर। सो तिमर अपने भाई अबी सलूम के घर में बेकस पड़ी रही। और जब दाऊद बादशाह ने ये सब बातें सुनी तो नहायत गुस्सा हुआ, और अबी सलूम ने अपने भाई अमनून से कुछ बुरा भला ना कहा, क्योंकि अबी सलूम को अमनून से नफरत थी, इसलिए कि उसने उसकी बहन तिमर के साथ जबर किया था। और ऐसा हुआ कि पूरे 2 साल के बाद भेड़ों के बाल कुतरने वाले अबी सलूम के हां बाल हसूर में थे, जो इफ्राइम के पास है, और अबी सलूम ने बादशाह के सब बेटों को दावत दी। सो अबी सलूम बादशाह के पास आकर कहने लगा, तेरे खादिम के हां भेड़ों के बाल कुतरने वाले आए हैं, सो मैं मिन्नत करता हूं कि बादशाह ममा अपने मुलाजिमों के अपने खादिम के साथ चले। तब बादशाह ने अबी सलूम से कहा, नहीं मेरे बेटे, हम सब के सब ना चलें, ता ना हो कि तुझ पर हम बोझ हो जाएं। और वो उससे बजिद हुआ, तो भी वो ना गया, पर उसे दुआ दी। तब अबी सलूम ने कहा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे भाई अमनून को तू हमारे साथ जाने दे। बादशाह ने उससे कहा, वो तेरे साथ क्यों जाए? लेकिन अबी सलूम ऐसा बजिद हुआ कि उसने अमनून और सब बादशाह जादों को उसके साथ जाने दिया। और अबी सलूम ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि देखो, जब अमनून का दिल मैं से सरूर में हो और मैं तुमको कहूं कि अमनून को मारो, तो तुम उसे मार डालना, खौफ ना करना, क्या मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया? दलेर और बहादुर बने रहो। चुनाचे अबी सलूम के नौकरों ने अमनून से वैसा ही किया जैसा अबी सलूम ने हुक्म दिया था। तब सब बादशाह जादे उठे और हर एक अपने खच्चर पर चढ़कर भागा, और वो हनूज रास्ता ही में थे कि दाऊद के पास ये खबर पहुंची कि अबी सलूम ने सब बादशाह जादों को कत्ल कर डाला है और उनमें से एक भी बाकी नहीं बचा। तब बादशाह ने उठकर अपने कपड़े फाड़े और जमीन पर गिर पड़ा, और उसके सब मुलाजिम कपड़े फाड़े हुए उसके हजूर खड़े रहे। तब दाऊद के भाई सम्मा का बेटा युनदब कहने लगा कि मेरा मालिक ये ख्याल ना करे कि उन्होंने सब जवानों को जो बादशाह जादे हैं मार डाला है, इसलिए कि सिर्फ अमनून ही मरा है, क्योंकि अबी सलूम के इंतजाम से उसी दिन से ये बात ठान ली गई थी जब उसने उसकी बहन तिमर के साथ जबर किया था। सो मेरा मालिक बादशाह ऐसा ख्याल करके कि सब बादशाह जादे मर गए, इस बात का गम ना करे, क्योंकि सिर्फ अमनून ही मरा है। और अबी सलूम भाग गया, और उस जवान ने जो निगहबान था अपनी आंखें उठाकर निगाह की, और क्या देखता है कि बहुत से लोग उसके पीछे की तरफ से पहाड़ के दामन के रास्ता से चले आ रहे हैं। तब युनदब ने बादशाह से कहा कि देख, बादशाह जादे आ गए, जैसा तेरे खादिम ने कहा वैसा ही है। उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि बादशाह जादे आ पहुंचे और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और बादशाह और उसके सब खादिम भी जार जार रोए। लेकिन अबी सलूम भागकर जसूर के बादशाह अमीहूद के बेटे तिलमी के पास चला गया।
और दाऊद हर रोज अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। सो अबीसलूम भागकर जसूर को गया और 3 बरस तक वहीं रहा, और दाऊद बादशाह के दिल में अबीसलूम के पास जाने की बड़ी आरजू थी, लेकिन अमनून की तरफ से उसे तसल्ली हो गई थी, इसलिए कि वो मर चुका था।